ब्राह्मण और चोर। किसी जमाने में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह पड़ोसी गांव के एक अमीर से बलि चढ़ाने के लिए बकरा लेने गया। ब्राह्मण ऐसे अच्छे और मोटे बकरे को पाकर फूले ना समाया। वह बकरे को अपने कंधों पर रखकर घर की ओर चला। रास्ते में तीन भूखे चोरों ने उसे देखा। पहले चोर ने कहा, इस बकरे को देखो तो, ब्राह्मण से उपाय कर उसे हत्या लें, उसे पकाकर एक अच्छा भोजन करें। अन्य चोरों ने कहा, हा 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 हा। तो पहला चोर ब्राह्मण की तरफ गया। उसने अचरज के साथ देखते हुए कहा, श्रीमान, आप अपने कंधों पर एक कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? ब्राह्मण झुंझला उठा और बोला, क्या तुम अंधे हो? यह तो बकरा है। चोर माफी मांगकर चला गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण रास्ते में दूसरे चोर से मिला। चोर हंसता हुआ बोला, अरे क्या आप मूर्ख हो? मरे बछड़े को क्यों उठाए जा रहे हो? ब्राह्मण परेशान हुआ और बोला, तुम मूर्ख हो मेरे भाई। क्या तुम देखते नहीं कि यह जीवंत बकरा है? यह चोर भी माफी मांगकर चला गया। अब ब्राह्मण चिंतित हुआ। उसने सोचा, क्या वे लोग पागल हैं? अथवा मुझे ही कुछ हुआ है? मैंने एक जीता जागता बकरा उठाया है ना? कुछ समय बाद तीसरा चोर सामने आया। उसने ब्राह्मण को देखकर कहा, प्रिय श्रीमान, एक गधे को उठाए लिए जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? अब ब्राह्मण इतना परेशान हुआ कि उसने चोरों पर विश्वास कर लिया और बकरे को नीचे उतार दिया। मैं पागल हुआ हूँ, मैं पागल हुआ हूँ, यह सोचते हुए वह भाग गया। चोर बहुत खुश हुए। ब्राह्मण की मूर्खता पर चोर हंस पड़े। उनमें से एक बोला, यह अच्छा हुआ कि ब्राह्मण अपना विश्वास खो बैठा। यदि ऐसा ना करता तो हम कभी भी उसे धोखा नहीं दे पाते।